हम लोग केमिस्ट्री में क्या क्या अध्ययन करेंगे, 11th और 12th बोर्ड के लिए बेसिकली यहाँ पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर लिख दिया गया फॉर 11th 12th बोर्ड ओनली। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन हम देखने जा रहे हैं 11th 12th में, कैसे हम लोग को केमिस्ट्री को कवर करना है। सबसे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री, ये मान करके हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं आता है, एकदम शुरुआत से स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को हम लोग अध्ययन करेंगे और जीरो लेवल से सारी चीजें बोर्ड लेवल की चीजें कंप्लीट कर ली जाएगी। क्लियर ना? तो यहां पर सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र हिंदी होता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, तो पदार्थों की संरचना तथा विभिन्न परिस्थितियों में अथवा एक दूसरे के साथ मिलने पर नया पदार्थ बनता है, उसी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, उसी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। दैट मींस इंग्लिश में इसको बोलने को बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ मैटर, माने केमिस्ट्री क्या है, तो पदार्थों का अध्ययन है। केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ द मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज और उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाई सब्सटेंस कंबाइन और सेपरेट टू फॉर्म अदर सब्सटेंस, क्यों पदार्थ एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कैसे सेपरेट हो जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसको सिंपल सा डेफिनेशन इंग्लिश में बोलने को कहा जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड व्हाई सब्सटेंस कंबाइन और सेपरेट टू फॉर्म ए अदर सब्सटेंस, ठीक है ना। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया, पदार्थ एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री यही होता है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं पदार्थों की संरचना तथा विभिन्न परिस्थितियों अथवा एक दूसरे के साथ मिलने पर उनमें होने वाली इंटरचेंज, उनमें होने वाली परिवर्तन, कन्वर्जन का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाता है। अब देखिए हम लोग 11th 12th में किस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले केमिस्ट्री मेरे भाई ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री को हम लोग चार प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो जनरल केमिस्ट्री और दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये चार पार्ट के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। अब कहिए कि सर जी जनरल केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज जनरल केमिस्ट्री। तो जनरल केमिस्ट्री, सामान्य केमिस्ट्री मतलब फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो टर्म होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म जो बार बार रिपीट करेंगे इस सभी में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में जो टर्मोलॉजी होंगे उसके बारे में जनरल केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी आपको डिस्कस करके दिखाएंगे कि कैसे जनरल केमिस्ट्री में क्या क्या सीखना है, जिसके वजह से ये सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएंगे, इस पर यदि कमांड कर लिया अपन तो। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिक्वेंसली ले चलेंगे साथ साथ, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें हमको अध्ययन करनी है। ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन तो बहुत सारा हो सकता है हायर लेवल पर, जैसे हम लोग कोई कॉम्पिटिशन जैसे IIT JEE नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, कॉलेज मिलेगा मेरे को, कॉलेज में जाएंगे तो फिर वहां पर बहुत सारा ब्रांच आ जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ब्रांचेज केमिस्ट्री का दिखाया गया, जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा ही एनालिटिक केमिस्ट्री आ सकता है, नैनो केमिस्ट्री आ सकता है, बहुत सारा इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, ट्रेड हो सकता है। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को सिक्वेंसली। सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। जनरल केमिस्ट्री को इसलिए हम पहले पढ़ाते हैं क्योंकि जनरल केमिस्ट्री जैसे 9th 10th जो टर्म है, जो चीजें हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं बार बार, उस कंसेप्ट को आपको ट्रिक्स के माध्यम से इसमें सिखाया जाएगा। जो बार बार फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट करते हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें इसमें कवर करनी है। क्लियर? चलिए
तो बच्चों हम लोग को जनरल केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करनी है ये सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। अब जनरल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस सब जितना भी इंग्लिश में आपको लिखाया गया है यहाँ लिखा गया है सबको हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों समझते चलेंगे अपन, क्लियर ना। तो यहाँ पर जनरल केमिस्ट्री में पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी तत्व किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उसके माध्यम से एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे हम लोग, एटॉमिक मास को निकालना सीखेंगे, एकदम सुपर ट्रिक्स पढ़ेंगे एटॉमिक मास को, एक से लेकर के 30 तक के तत्वों का एटॉमिक मास हम लोग जहां तक ये बात है हम लोग रटते हैं, लेकिन अब रटने की आवश्यकता नहीं है, याद रहे केमिस्ट्री रटना माना है, आपको एकदम शानदार सुपर ट्रिक्स दिया जाएगा जिसके माध्यम से बिल्कुल हम लोग को केमिस्ट्री रटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्लियर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा यूनिक क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम लोग सुपर ट्रिक्स, जी हाँ सुपर ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किस प्रकार ज्ञात करते हैं कैलकुलेट करेंगे उसका सुपर ट्रिक्स पढ़ेंगे, एक ट्रिक्स बताएंगे। पैरों में पेज है, पैरों में पेज है, अब आपको लगता होगा कि ये पैरों में पेज है क्या सर बोल रहे हैं, तो जी हाँ ये बहुत ही सुपर ट्रिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात कर लेंगे आसानी से, उसका एटॉमिक मास बता पाएंगे आसानी से, उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या को आसानी से बता लेंगे, इसमें सुपर ट्रिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के लिए पैरों में पेज है ये वाला शानदार ट्रिक्स है, क्लियर। उसके बाद सुपर ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, उसका शानदार लाजवाब ट्रिक्स बताएंगे जो आप कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते हैं, ये चैलेंज है, दावा है मेरा। उसके बाद हम लोग एक्साइटेशन रूल्स, एक ये नया नाम आपको दिखाई देता होगा या सुन रहे हैं आप, एक्साइटेशन रूल्स क्या होता है हम आपको सिखाएंगे, ये एक्साइटेशन रूल ये इनऑर्गेनिक में बार बार आता है इसलिए हमने स्पेशल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम जनरल केमिस्ट्री, क्लियर। तो एक्साइटेशन रूल क्या होता है वहां पर हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सीखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। After that, magnetic behavior of elements या आयन, कौन paramagnetic, कौन diamagnetic आयन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे शानदार ट्रिक्स के साथ, उसमें हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक मोमेंट ट्रिक्स के माध्यम से निकालना हम लोग सीखेंगे, कब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख जाएंगे तो ये सारी चीजें एकदम आसान हो जाएगी, क्लियर ना। तो ये सारी चीजें पढ़ने इसके आगे और भी टर्म आएंगे जैसे आइसो सीरीज पढ़ेंगे, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो बार, आइसो आइसो डायफर, इस तरह के बहुत सारा आसान आसान टर्म है, जब हम लोग ये सुपर ट्रिक्स पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो जो आइसो सीरीज में 9-10 टॉपिक्स आएंगे जिसको हम लोग इस पर कमांड रहेगा, इस सुपर ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पैरों में पेज वाला ट्रिक्स याद रहेगा, ध्यान रहेगा, तो एकदम चैलेंज करते हैं कि आइसो सीरीज में आपको कहीं पर प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो इसको आप समझ गए हैं। इसके आगे और भी चीजें पढ़नी है जिसको हम बता रहे हैं। तो बहु मेरे अब उसके बाद हम लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे आइसो सीरीज। अब आइसो सीरीज क्या है, जैसे आइसो बार, आइसो डायफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो टर्म आइसो से रिलेटेड आएंगे उसके बारे में, आइसोमेरिज्म उसके बारे में देखेंगे आइसो सीरीज में, क्लियर। जी हाँ आइसो सीरीज से प्रत्येक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है आइसो सीरीज और इससे क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के एग्जाम में इससे होते हैं आइसो सीरीज से, ध्यान रहे। तो आपका जनरल केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुपर ट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को हम चैलेंज करते हैं कि याद करवा देंगे आपको, एकदम शानदार ट्रिक्स बताने वाले पीरियोडिक टेबल का, और आपके माइंड में एकदम जाकर फिट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, कहीं से पूछा जाएगा फटाफट बता दीजिएगा, और जब पीरियोडिक टेबल्स याद हो जाएगा आपको ट्रिक्स के माध्यम से, तब हम लोग देखेंगे कि सुपर ट्रिक्स कैसे हम लोग फॉर्मूला उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में, इसके तुरंत बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद जैसे वैलेंस देखेंगे वैलेंसी ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल में, तो हम लोग आयन का भी वैलेंसी देखेंगे, और जब ये सारी चीजें वैलेंसी सीख लेंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख लेंगे तो ये टर्म आपको एकदम आसान दिखेंगे। जैसे सुपर ट्रिक्स हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, किसी कंपाउंड्स को हम नाम रखे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र लिखने का ट्रिक्स बताएंगे, एकदम सुपर ट्रिक्स, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, किसी भी रासायनिक सूत्र का किस प्रकार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे उसका ट्रिक्स बताएंगे। कब? जब वैलेंसी क्लियर करा देंगे तब। उसके बाद नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का नामकरण सीख लेंगे कि ये नाम रहे तो किस तरह से हम कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Na2SO4, ठीक है ना, इसका नाम सोडियम सल्फेट कैसे आया इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एलम के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर ना। तो ये जनरल केमिस्ट्री में हमको कवर करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे टर्म आएंगे जिसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री में कवर करेंगे, स्पष्ट ना। तो ये था आपका जनरल केमिस्ट्री। अब इसके बाद देखेंगे फिजिकल में क्या अध्ययन करना है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक में क्या देखना है, इनऑर्गेनिक में क्या देखना है। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स चैप्टर है 11th का मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट को इंपोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये मोल कॉन्सेप्ट पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का जान है। ये मोल गोल हो गया तो पूरा फिजिकल गोल हो जाएगा, तो ये हमको एकदम सीरियसली पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट को। इसको हम लोग बोल सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की मूलभूत जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट को मेजर मान करके अध्ययन करेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में 11th के लिए। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर या यू बोल सकते हैं गैसियस स्टेट, इसके इस चैप्टर को हमको पढ़ना है 11th फिजिकल में। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ये दोनों थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन बहुत आसान है। उसके बाद लास्ट में हम लोग कवर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स को अध्ययन करेंगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। 12th का भी होता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी बहुत सारा चैप्टर्स होता है, जैसे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, उसमें भी 5 है, स्पष्ट ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए है, नोट कर सकते हैं आप। तो ये बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री ही है, बट क्लास 12th के लिए सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, बहुत ही इंटरेस्टेड और इजी ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट। उसके बाद सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री लास्ट में कवर करेंगे। क्लास 12th का ये सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का है। और एक टर्म है रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री, जो हमारे सिलेबस 11th 12th सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में है, जेई एडवांस। और इसको पढ़ने से फायदा ये होगा, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपका फिजिक्स कवर होगा, फिजिक्स कवर होगा, और साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स के जो लेवल है ना, इस लेवल को हम लोग बढ़ चढ़ के एडवांस लेवल पर, ओलंपियाड लेवल पर कर सकते हैं। कब? जब रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री के बारे में आइडिया रहे तब। तो इसको हम लोग 11th कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे रेडियो एक्टिव, उसके बाद 12th स्टार्ट किया जाएगा, क्लियर ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री 12th के लिए था। अब ऑर्गेनिक देखेंगे, ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, स्पष्ट ना। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो एकदम सिक्वेंसली 11th का ऑर्गेनिक और 12th का ऑर्गेनिक मर्ज करके पढ़ाते हैं। मर्ज करके पढ़ाने का मेन मकसद है कि आपका निरंतरण टॉपिक्स पर पकड़ रहेंगे और एक ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा पकड़ हो जाएगा। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 11th 12th दोनों को मर्ज मिला करके पढ़ाते हैं, एकदम सिक्वेंसली कंटिन्यूसली। 11th स्टार्ट किया जाएगा तो 12th में भी प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है ना कि इसको सेपरेटली आपको पढ़ाया जाएगा, 11th का अलग और 12th का अलग, तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है।
तो सिक्वेंसली पढ़ने में कुछ अलग मजा आता है, इसलिए ऑर्गेनिक को हम लोग सिक्वेंसली पढ़ेंगे। उसमें दिखा दिया जाएगा कि हम लोग को 12th के और 11th के सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, उसको जरूर हम बताएंगे। तो ये आपका 12th का है सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है जिसमें हम लोग सम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका बेसिक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्लियर ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे और लास्टली एक टॉपिक है क्लास 11th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, नीट और जेईई में इसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको डीपली हम लोग लास्टली इसको अध्ययन कर लेंगे, क्लियर ना। अब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़नी है ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, स्पष्ट। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस 12th का, क्लियर। तो इसमें हम लोग को पहला कवर करना है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसके बाद अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर देखेंगे, आफ्टर दैट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कवर करेंगे, कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कवर करेंगे जिसमें नाइट्रोजन हो, दैट मींस एमीन और डाइएजोनियम साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना चार चैप्टर्स है 12th में, ये मेनली इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चार चैप्टर्स। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स देखेंगे, इस बायो मॉलिक्यूल्स को इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिए क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है पॉलीमर केमिस्ट्री में, इसलिए इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी मानते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीमर्स केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब किस तरह से हम लोग को पढ़नी है ये सारी चीजें 11th 12th के ऑर्गेनिक को, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन और बेसिक टर्म, बेसिक चीजें सीखते जाएंगे हम लोग, और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे सबसे पहले। नोमेनक्लेचर अध्ययन करने के बाद आइसोमेरिज्म, अब ये सारी चीजें क्या होती है ये बाद में हमको पढ़नी है, अब यहां पर सोचते होंगे कि ये सब क्या होता है, तो पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कंपाउंड्स का नामकरण सीखेंगे किस प्रकार नामकरण किया जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, उसके बाद जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे हम लोग पढ़ के ये सारी चीजें चार पार्ट, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये चार पार्ट पर कमांड कर लेते हैं, तो ये जितना भी चैप्टर्स हैं ये चार जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये खुद ब खुद कवर हो जाता है, केवल रिवीजन आपको करा दी जाती है। ये इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आपको सब्जेक्ट बिल्कुल ही टफ नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताया गया है, क्लियर। चलिए तो बच्चों इन ऑर्गेनिक पार्ट में हम लोग क्या पढ़ना है यहाँ क्लास 11th के लिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत सारा ट्रिक्स टेक्निक बताई जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल समझ डाला तो ये आगे वाला बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, दैट मीन्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और ये केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एकदम डीपली पढ़ेंगे, समय लेंगे और बहुत ही डीपली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पर यदि डीपली कमांड कर लेते हैं तो वैसे ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60%, जी हाँ 60% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है
केवल इस चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग से। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड ये चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये केमिकल बॉन्डिंग को एकदम डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे, हालांकि सब डीपली अध्ययन करेंगे लेकिन केमिकल बॉन्डिंग पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रहेगा हम लोग का। ये एक्स्ट्रा फोकस से फायदा ये होगा कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60% सिलेबस केमिकल बॉन्डिंग में ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिडॉक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करना है। और इसी चैप्टर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए एस ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली कुछ ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 13 और 14, दैट मींस ब्रोन फैमिली ग्रुप्स के बारे में अध्ययन करना है और कार्बन फैमिली ग्रुप्स के बारे में अध्ययन करना है। तो ये 11th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कोर्स स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। अब 12th के बारे में भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। तो ये अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस क्लास 12th देख रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर है, इसको इंक्लूड करके हम लोग को अच्छा से अध्ययन करना है। सबसे पहले मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का निष्कर्षण हम लोग को देखना है। मेटलर्जी पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक्स, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक चैप्टर है 12th के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ग्रुप 15, 16, 17 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और ये हैलोजन्स के बारे में हमको अध्ययन करना है। 3 ग्रुप्स, एक और होता है ग्रुप्स 18 जिसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के बारे में अध्ययन करना है। 4 ग्रुप्स कवर करना है, 15, 16, 17 और 18। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल का ढांचा बेसिकली आपका स्केलेटन इस प्रकार होता है, जिसमें से ये जो चीजें होती है यहां से यहां एस ब्लॉक होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। बीच में डी ब्लॉक होता है और इधर पी ब्लॉक होता है, और नीचे देखिएगा तो पट दुगो लाइनें होती है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिसको एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो हमको क्लास 12th में डी ब्लॉक मतलब बीच वाला पार्ट के एलिमेंट्स और नीचे वाला एफ ब्लॉक के बारे में अध्ययन करना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड चैप्टर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लास्ट में पढ़ करके क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया इस क्लास में। चलिए तो इसके आगे हम नेक्स्ट चीजें आपको समझाते हैं, इसको आप नोट कर लें। तो दोस्तों आपको लगता होगा कि सर जी बार बार सुपर टिक्स की बात कर रहे हैं, और सुपर टिक्स के माध्यम से कैसे कैसे हम लोग सिलेबस को आसान करके बिना रटे समझ सकेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अंदाज दिखा रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस प्रकार हम लोग पीरियोडिक टेबल्स को अध्ययन करेंगे या अदर चैप्टर्स को अध्ययन करेंगे। एकदम सेम सीक्वेंस होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जिस तरह से आप फर्स्ट क्लास करिएगा, फर्स्ट 20 क्लास करिएगा, उसके बाद भी अंत तक भी क्लास का इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स कुछ लिए गए हैं, इसको याद करने का ट्रिक्स टेक्निक क्या क्या हम लोग अप्लाई करके याद रख सकते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट एक तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना बच्चों, सीजियम फ्रांसियम। अब इस ग्रुप के तत्वों को, इन सभी को याद करने का ट्रिक्स क्या होता है, तो हम आपको ये बताएंगे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, या आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि हलीना के रूबी सर्कस से फरार। तो इस तरह से हम लोग इस ग्रुप्स को याद रख सकते हैं। अब रही बात की परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है, तो उसका भी मैजिक नंबर का ट्रिक्स बताएंगे कि इस एलिमेंट्स का हम लोग परमाणु संख्या रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और परमाणु द्रव्यमान का भी ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो केमिस्ट्री रटना माना है, क्लियर। उसके बाद इस ग्रुप सेकंड एक तत्वों, ग्रुप सेकंड एक तत्वों किस प्रकार याद रख सकते हैं हम लोग, तो यहां पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या यूं बोल सकते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं।
और इसका परमाणु संख्या क्या क्या होते हैं, तो मैजिक नंबर जब चैप्टर्स में हम आप कोर्स पढ़िएगा तो उसमें एकदम ट्रिक शानदार शानदार बताई जाएगी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ध्यान में रखने के लिए शानदार ट्रिक्स। वैसे ही मेरे भाई ये डी प्लग के एलिमेंट्स हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी या बहुत सारे आप सुनेंगे अपने से बैठा सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि संया यार लाया एसी, इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर टी जरा हाफ रफ इसको याद रख सकते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको याद रखना है तो नई पड़ोसन पटना की, कहा की नई पड़ोसन पटना की, तो इस ग्रुप को भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके माध्यम से ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब देखो पड़ोसी, अब उसके बाद क्या है इसको याद रखना है, चाहे इसको याद रखना था क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, या इसको याद रखना है आपको इस ग्रुप्स के कोबरा रहेगा आयरलैंड, इसको याद रखना है तो जमाना कदरदान है या जिंदगी कबाड़ होगा, जिंदगी क्या होगा कबाड़ होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके आगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ब्रोन फैमिली को याद रखना है तो बैंगन आलू गाजर इंथेला, कार्बन फैमिली को याद रखना है तो कार्बन फैमिली को याद करने का ट्रिक्स बताएंगे, किस प्रकार मैचिंग करा के दिखाएंगे। जैसे कार्बन फैमिली को याद करने का ट्रिक्स होता है ग्रुप 17 का चंद्रभान सर जनरल साइंस पढ़ाते हैं, एकदम सुपर ट्रिक्स। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिका, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ग्रुप 16 के तत्व किस प्रकार याद रखेंगे, ओरिजिनल स्टाइल से टिपो, या इस तरह से भी याद करने का ट्रिक्स आपको बताया जाएगा कि ओ सनम से तेरा पोल खोलूंगा, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ग्रुप 18 का भी ऐसा ही, तो जितना भी सारी चीज है या इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर आओ, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, मूल कॉन्सेप्ट हो, आपको एक से एक कॉन्सेप्ट ट्रिक्स बताई जाएगी, बिल्कुल आपको सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा और एकदम आईआईटी नीट लेवल हम लोग देखेंगे। तो ये हमने आपको कुछ अंदाज दिखाया। तो बच्चों ये सारी चीजें आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे यहां एडमिशन लेना होगा, और सारा वीडियो मॉडर्न साइंस एप के माध्यम से टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंसली टॉपिक वाइज मिलेगा। अभी हमारे यहां फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए 50%, जी हाँ 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर पर कॉल करके करा सकते हैं, और साथ ही 7 days तक मनी बैक गारंटी, दैट मींस यदि 7 दिन के अंदर विदिन 7 days यदि आपको किसी कारणवश क्लास को नहीं करना है, छोड़ देना है या पसंद नहीं आया, तो आप बिना क्वेश्चन आपसे पूछे, नो क्वेश्चंस आस्क, फुली रिफंडेबल मनी, आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। धन्यवाद।